शहनाज गिल के हाथ लगी नई बॉलीवुड फिल्म। शहनाज कभी ईद कभी दिवाली से करने जा रही है बॉलीवुड डेब्यू। सलमान खान के बाद एक और ए लिस्ट एक्टर के साथ शहनाज स्क्रीन करेंगी शेयर। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। बिग बॉस 13 में आने के बाद से शहनाज गिल सभी के दिलों और लाइमलाइट में छाई हुई है। पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल जल्द ही सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रही है। उनकी क्यूटनेस पर हर कोई फिदा है। उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए इंतजार सब बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन अब खबरों की माने तो शहनाज ने एक और बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है। जी हाँ, रिपोर्टेडली सिंगर और एक्ट्रेस शहनाज गिल को सोनम कपूर की बहन रिया कपूर की अगली फिल्म मिल गई है, जो रिया के पति करण बुलानी बनाएंगे। इसमें अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। यानी अब शहनाज जल्द ही अनिल और भूमि के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। यानी कि आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शहनाज धमाल मचाने के लिए तैयार है। फैंस के लिए शहनाज को बड़े पर्दे पर देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है, क्योंकि टेलीविजन की दुनिया में तो वो ऑलरेडी छाई हुई है। लेकिन अब शहनाज अपनी अदाओं और अदाकारा से अपने फैंस को और दीवाना बनाएंगी। वेल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारा चैनल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।